ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज है बुधवार, आज है गणपति बापा का दिन। तो गणपति बापा का नाम लेके हम निकालते हैं आपकी रीडिंग। तो आप जिस किसी भी परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर शक्ति, डिवाइन को मानते हैं, आप उनका ध्यान कीजिए ताकि हम आपकी गाइडेंस निकाल सकें। तो माय डिवाइन फैमिली, सबसे पहले हम करते हैं आपका ऑरा क्लीन, ताकि जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं आपके लिए, आपके दुश्मनों ने, हेटर्स ने भेजी हैं, उनको हम नष्ट कर सकें और हम उनको 1000 गुना बढ़ा के उन्हीं के लिए वापस भेज सकें, ताकि आपका परिवार रहे स्वस्थ, व्यस्त और मस्त, और आपका ऑरा हो जाए क्लीन और जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो सके और आपकी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स ही रहें, नेगेटिव कुछ भी ना रहे। तो आइए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग गणपति बप्पा का नाम लेके। तो आप अपने परमेश्वर परमात्मा का ध्यान कीजिए ताकि हम आपकी गाइडेंस निकाल सकें। गाइडेंस फॉर माय व्यूवर्स। कार्ड उल्टे सीधे हैं तो मैं जरा उनको ठीक कर लेती हूँ। गाइडेंस फॉर माय व्यूवर्स। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। ये है 85, 87, 13, 90 और 77। तो 85 का 8 5 13, 13 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर और 5 नंबर। ये आप किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, आप जिनके लिए देख रहे हैं उनकी हो सकती है, और किसी का बर्थडे हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। तो कार्ड्स क्या बताते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। रिलीज ऑल एक्सपेक्टेशंस विद रिगार्ड टू टाइमिंग्स। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं ये चीज़ कब होगी, क्यों नहीं हो रही है। तो हमें वो सब ऐसा छोड़ देना चाहिए, कहते हैं ना अपने कर्म करते रहना चाहिए, और जो कुछ हमारी लाइफ में परमेश्वर ने प्लान किया होगा वो ज़रूर टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट न्यू मून, तो हो सकता है नेक्स्ट न्यू मून, नेक्स्ट मंथ जो भी आपके विश है वो कंप्लीट हो जाए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए वेट अ लिटल लॉन्गर, थोड़ा सा आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। और व्हेन द हीलिंग हैपेंस, जब आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी कुछ चीज़ें तब होंगी। और टाइम टू टेक एक्शन एंड स्टॉप वेटिंग, पर आपको क्या करना है, अपना कार्य, जिस भी लक्ष्य जो आपका है आपके सामने, उसके लिए आपको कार्य करते रहना है, आपको नहीं रुकना है। जब काम होना है हो जाएगा और टाइम आ ही गया है, पर आपको अपने लक्ष्य के समीप जाने के लिए, लक्ष्य के पास जाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते ही रहना है। आपको वेट नहीं करना है कि कब होगा। और ये आ रहा है ट्यूसडे, नंबर है 9, तो मे बी ट्यूसडे को बजरंगबली, जल्दी से ही आपका वो काम कर दें। तो मैं बताती हूँ आपको कार्ड क्या कहते हैं। दिस ईयर, पर पक्का इस साल हो जाएगा। और इसमें आ रहा है नंबर 8, तो मे बी अगस्त एंडिंग से पहले पहले आपका वो काम बन जाए। हैव फेथ, तो आपको क्या करना है, सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास रखना है और अपना कर्म करते चलना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए बनी है वो आपको ना मिलेगी, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो या फाइनेंशियल हो। टाइम टू मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ, आपको अपनी लाइफ के साथ बढ़ते जाना है। जो कुछ पीछे छूट गया उसके लिए बिल्कुल भी नहीं रुकना है, आगे आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ, तो बस अब जल्दी ही जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो कुछ भी आपकी इच्छा है वो जल्दी ही होना है। चाहे हो सकता है वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हो सकता है आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, और ये भी हो सकता है कि जॉब हो, और ये भी हो सकता है कि आपकी मैरिज हो, या कुछ भी कुछ ओकेजन हो। तो जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो जल्दी ही होने वाला है, सिर्फ आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है और अपना कर्म करते रहना है। तो माय डिवाइन फैमिली, अगर ये रीडिंग आपसे किसी भी रूप में रेजोनेट करती है तो अपनी एनर्जी एक्सचेंज करके मैसेज कमेंट कीजिए,
और अपने फ्रेंड से आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है या आपसे रेजोनेट करती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।